तो दरअसल लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों का न्याय प्रक्रिया से भरोसा उठ जाए। जो नफरत फैलाने के लिए नौजवानों को उतारा गया है, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो अपराधी बन जाते हैं, बंदूक उठा के चल रहे हैं, उनका भविष्य कुछ नहीं है। दोस्ती के बिना, अमन के बिना काम नहीं चलेगा, देश नफरत पे नहीं चल सकता, दुनिया का कोई देश नहीं चला। देश से प्रेम करने वालों के बीच लड़ाई है, देश को जलाने वालों के बीच लड़ाई है, तो वो तो तबका उतरेगा ही, क्योंकि बुलडोजर कानून से ऊपर है ना, उसके वो तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अगर मुझे आपसे दुश्मनी है और आप ताकतवर हैं तो आप मुझे बुलडोज कर देंगे, ये न्याय नहीं है। और बुलडोजर से और नफरत और असुरक्षा फैल रही है। सवाल है, बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर मामा हैं, तो ये पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, ये एक राजनीतिक फैसला है। राजनीतिक फैसले में आप बता रहे हैं कि आप बुलडोजर से ही राज करेंगे। अलग अलग तरीकों से नफरत को काउंटर किया जाए, क्योंकि नफरत सबके लिए जानलेवा है। जो नफरत फैलाने के लिए नौजवानों को उतारा गया है, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो अपराधी बन जाते हैं, बंदूक उठा के चल रहे हैं, उनका भविष्य कुछ नहीं है। तो मकसद साधा सा है कहना कि दोस्ती के बिना, अमन के बिना काम नहीं चलेगा, देश नफरत पे नहीं चल सकता, दुनिया का कोई देश नहीं चला। लेकिन देखने में आता है जब इस तरह की बात कही जाती है, खासतौर से सोशल मीडिया में, तो एक बड़ा वर्ग है जो उसके विरोध में उतर आता है और तरह तरह की बातें। नहीं देखिए, लड़ाई तो बहुत साफ है, नफरत और अमन के बीच लड़ाई है, देश से प्रेम करने वालों के बीच लड़ाई है, देश को जलाने वालों के बीच लड़ाई है, तो वो तो तबका उतरेगा ही। लेकिन मुझे अंदर से विश्वास है कि इंसान, भारत को तो छोड़ दीजिए, हर इंसान जो दुनिया में है वो अमन चैन चाहता है, क्योंकि उसी में वो ज़िंदा रह सकता है। हर समय युद्ध में आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो बहुत साफ सा है कि अमन अगर मजबूती से खड़ा हो, लेकिन डराने धमकाने का दौर है, इंसाफ मिलने में देर है, और बुलडोज़र का एक राज है। बुलडोज़र के राज में आप कैसे न्याय और अमन की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पूरा ट्रेंड बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप दंगों की बात करते हैं तो दंगा होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशासन और पुलिस के ज़रिए पूरे एक तबके को टारगेट किया जाता है, उनकी मेहनत की कमाई। जी, मैंने वही मैं वही आपसे कह रही हूँ, बिल्डोजर चला दिया। वही मैं कह रही हूँ कि जब एक मेरे लिहाज से वालों के या प्रशासन के जहनों में जो मुसलमानों के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ नफरत फैल रही है, उसको कैसे रोकें? हाँ देखिए, उसको रोकने की ज़रूरत है, तभी हम यहाँ पर हैं। क्योंकि एक बात ये बहुत साफ है कि बुलडोज़र न्याय नहीं है। बुलडोज़र यानी अन्याय, क्योंकि बुलडोज़र कानून से ऊपर है ना, उसके वो तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अगर मुझे आपसे दुश्मनी है और आप ताकतवर हैं तो आप मुझे बुलडोज कर देंगे, ये न्याय नहीं है। ये मध्ययुगीन दौर है जहाँ राजा है, राजा ने कहा इसका सर कत्ल कर दो, उसका घर ढहा दो, हाथी चला गया। तो राजा शाही के दौर में जो हाथी काम करता था या बाकी काम करते थे, वो अब बुलडोज़र काम कर रहा है। और बुलडोज़र से और नफरत और असुरक्षा फैल रही है, क्योंकि आज आपने जिसका घर गिरा दिया, कल को पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए कानून की एक प्रक्रिया है ना, मैंने इसीलिए कहा कि ये संगोल युग की शुरुआत है, जहाँ पे न्याय की ज़रूरत ही नहीं है, कानून की ज़रूरत नहीं है, देश के संविधान की ज़रूरत नहीं है, CRPC की ज़रूरत नहीं है। अभी तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना, अगर आपने मेरा सामान चुराया तो मैं आपको ऐसे ही मारने नहीं आऊँगी, मैं एक प्रक्रिया में जाऊँगी, पुलिस में शिकायत करूँगी, वहाँ से न्याय की मांग करूँगी। तो ये जो एक बुलडोज़र युग है, संगोल युग है, दरअसल ये संविधान के खिलाफ है और देश में लोकतंत्र के खिलाफ है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट का आपने फैसला सब देखा होगा, तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रोसीजर होता है, अगर किसी के घर को डेमोलिश करना है, अगर वो गैर कानूनी है, इलीगल जगह पर बना हुआ है या नक्शा पास नहीं कराया, वो तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो नहीं किया गया। और ये देखने में आ रहा है पिछले 8 साल से तकरीबन चल रहा है, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में जी। लेकिन उसके बावजूद अधिकारी खुलेआम इसको कर रहे हैं, उन पर कोई लगाम नहीं है। कई बार कोर्ट भी पहुँचता है मामला, लेकिन उसके बावजूद बिना खौफ के ये पूरा सिलसिला चलता चला, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स हैं ना। सवाल है, बुलडोज़र बाबा हैं, बुलडोज़र मामा हैं, तो ये पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। ये सिर्फ एक DM DC पुलिस अधिकारी का फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक फैसला है। राजनीतिक फैसले में आप बता रहे हैं कि आप बुलडोज़र से ही राज करेंगे, तो दरअसल यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, अदालतें हस्तक्षेप करें, तो लोगों के दिमाग में भी जाएगा, जहन में जाएगा कि नहीं, ये गैरकानूनी चीज़ है। इसीलिए मैंने कहा कि न्यायपालिका को जो एक आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए, जब बुलडोज़र चल रहा है तो उससे पहले भी पता चलता है ना कि बुलडोज़र चल रहा है, वहाँ अगर आप कदम रोकिए
तब न्याय की एक उम्मीद बनेगी। लेकिन अब दिक्कत है कि पॉलिटिकल फैसला है, बुलडोजर कोई प्रशासन का फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक फैसला है, इसलिए इसको राजनीतिक की तौर पे आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2 साल से डेमोलिशन को लेकर मामला चल रहा है, हेट स्पीच को लेकर मामला चल रहा है, लेकिन कोई क्लियर कट कोई फैसला नहीं। बहुत बहुत अफसोसजनक है और आम नागरिक के तौर पर मैं दुखी और आहत होगी। अगर आप मेवात दंगे की बात करते हैं, वहाँ पर जो एक्शन है पुलिस का, एक तरफा एक्शन देखने में आ रहा है। 170 में से 4-5 हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जिनके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कोई FIR नहीं दर्ज की गई, ऐसे ऐसा हथियार है जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद एक तरफा कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं पूरे एक तबके में जो है वो चाहते हैं कि एक तबका न्याय की उम्मीद छोड़ दे, और वो चाहते भी हैं कि सारे ही लोग भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएं। तो दरअसल लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों का न्याय प्रक्रिया से भरोसा उठ जाए, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नाइंसाफियाँ जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो सब नाइंसाफियाँ हैं। तो वो नाइंसाफी लोगों में गुस्सा पैदा करेगी, न्याय कोर्ट कचहरी से दूर ले जाएगी, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि भविष्य नहीं है। आप ये भी देखिए कि जब आप न्याय की प्रक्रिया से हटते हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो रूल है उसमें माइनॉरिटी ही हमेशा निशाने पे आएगी। मणिपुर में भी यही हो रहा है, कुकी निशाने पर हैं, बाकी देश में यही हो रहा है। तो सवाल, इसीलिए हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन आइन का बात करते हैं ना, आइन पे क्यों भरोसा है, क्योंकि आइन कहेगा कि आपको जो अधिकार है वही मुझे अधिकार है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि हमें आइन पे भरोसा रखना और प्रशासन पे दबाव डालना।